सब्सक्राइब कीजिए मिस्टर सिंह फूड हंटर को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। मेहनत आदमी को करता है तो रंग लाता है इंसान को। मेरे हस्बैंड मेहनत बिल्कुल नहीं करना चाहते थे, मतलब वो सिर्फ इसके कारण मेरी पहली दुकान मतलब दूसरी दुकान एकदम से टूट गई। किसी ने कहा कि रोहिणी सेक्टर 3 में किसी को ज़रूरत है, तो मैंने वहाँ जाके उनके घर की देखभाल करके एक बुजुर्ग महिला को मैंने मतलब देखभाल किया उनका। उसके बाद फिर मैं 4 महीने अपनी बेटी से दूर रही। जब 4 महीने अपनी बेटी से दूर रही, मेरी बेटी भी यहाँ परेशान हो गई। बार बार कोर्ट में रोती थी कि मम्मी तुम अकेली, मतलब बहुत परेशान हो गई थी। उसको लगता था कि कैसे मम्मी वहाँ पे, मैं यहाँ पे, और 4 महीना नहीं देखती कोई बच्चा अपनी माँ को, तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इसके मुझे भी टेंशन होता था, अब वो फ़ोन करती थी मुझे टेंशन होता था, इसलिए मैंने छोड़ के फिर यहाँ घर आई। घर से ही मैंने फिर सोचा कि कुछ करूँ कि जिससे घर पे भी रह लूँ और थोड़ा मतलब खाना पीना रहना पढ़ाई लिखाई सारा हो जाए। तो तब उन्होंने ये सोचा कि मैं एक इडली का स्टॉल लगाती हूँ। फिर उन्होंने शालीमार बाग में अपना इडली सांभर का एक
तो हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे वो केन का स्टॉल लगता है। सीसी ब्लॉक, मैं लोकेशन समझा देता हूँ, सीसी ब्लॉक मार्केट शालीमार बाग दिल्ली में। तो आओ हम भी इनका सांभर और इडली खा के देखते हैं कैसा है स्वाद, आपके बताएंगे आपको। लगाओ एक हमारे लिए। ये देख सकते हैं, ये मेरा इडली और सांभर आ चुका है। मैंने इनकी प्रिपरेशन देखी है पूरी तरह से। सबसे बड़ी बात, हाइजीन का बहुत ध्यान रखा हुआ है इन्होंने। ये रिफाइंड तो बिल्कुल यूज़ नहीं करते, देसी घी और मस्टर्ड ऑयल दो चीज़ यूज़ करते हैं। मैं खा के बताता हूँ कैसा टेस्ट। मैंने खाया है अभी हफ्ते 10 दिन पहले, मैं आया था राखी वाले दिन आया था, खा कर गया था, तो मेरे को बहुत ही अच्छा लगा था। तो मेरे को था कि मेरी इन स्टोरी इनसे पूछी मैंने कि कहाँ से आप रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, तो इन्होंने मेरे को अपनी थोड़ी सी स्टोरी बताई। तो फिर मेरे को लगा कि इनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशनल है, तो मेरे को आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो अब मैं अब खाने लगा हूँ। एक बात और बताऊँ, ये 30 रुपीज़ की प्लेट है, सांभर और दो इडली, इस प्राइस में क्या मिलता है यार दोस्तों। और इतना बढ़िया खाना मिल जाए 30 रुपये में, और हर आदमी खा सकता है, नॉमिनल सा आदमी खा सकता है, कोई भी खा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, मैदा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको खाने में। चावल है, सांभर है, सब्जी है, सब कुछ है बीच में। तो मैं खा के बताता हूँ इसका टेस्ट। बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है इसके अंदर। इसके अंदर जो वेजिस डली हैं, ये देखो कड़ी पत्ता है, ये सब्जी हैं, जो मसाले डले हैं, जो इसके अंदर देख रहे हैं रई पड़ी है, बहुत बढ़िया टेस्ट है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्लीज़ इनको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की इनको बहुत ज़रूरत है। अब आपको मैं नई वीडियो में मिलूँगा कुछ नया लेके, तब तक के लिए गुड बाय, सत श्री अकाल।